इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिया गया बेल का आइकन दबाइए। आम के आम और गुठलियों के दाम, ये कहावत अक्सर बोली जाती है। ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन भी मौजूद है। देश में आम की सीजन शुरू हो गई है और एक ताजा संशोधन सामने आया है। उसके मुताबिक देखा जाए तो आम की गुठली न्यूट्रिशंस का भंडार है। आम की गुठलियों में भी विटामिन B12 का कंटेंट होता है, ऐसा संशोधन में बाहर आया है। इसके अलावा डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर जैसे रोगों में गुठलियां काफी सहायक है। एंटी एजिंग कॉस्मेटिक्स में भी आम की गुठलियों का प्रयोग किया जा सकता है। गुजरात में आनंद कृषि महाविद्यालय, सरदार पटेल महाविद्यालय और जामनगर आयुर्वेदिक महाविद्यालय ने अमेरिका स्थित भारतीय संशोधक गोर्धन भाई पटेल के साथ मिलकर एक नया संशोधन करके जनता के सामने रखा है। आम की गुठलियों का उत्पादन देश में आलू के उत्पादन जितना हो जाता है, लेकिन हम गुठलियों को वेस्ट मानकर फेंक देते हैं। गुठलियों के फायदे इतने सारे हैं कि उसका भाव मैंगो पल्प के बराबर होना चाहिए, ऐसा संशोधकों का मानना है। आम की गुठलियों में मैंगीफेरिन नाम का तत्व होता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफी मदद करता है। इस तत्व की कीमत $180 प्रति ग्राम के आसपास होती है। आम की गुठलियों को खाया जाए तो ब्लड शुगर के पेशेंट को बहुत ही फायदा होता है। गुठलियों में करीबन 0.12 ग्राम यानी 0.12 ग्राम B12 होता है। इसके अलावा 10 मूल एमिनो एसिड भी मिलते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयन, जिंक, मैंगनीज और फॉस्फरस का भंडार है ये गुठलियां। गुठलियों को एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट भी माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी गुठलियां काफी सहायक होती है। हालांकि संशोधकों ने यह कहा है कि गुठलियों में विटामिन B12 के बारे में हमें और संशोधन करना आवश्यक लगता है। दोस्तों, आम की गुठलियों का उपयोग आप पाउडर बनाकर चपाटी में कर सकते हो। इसके अलावा मुखवास के तौर पर भी आप डेली यूज कर सकते हो। दोस्तों, गुठलियों के इतने सारे फायदे जानने के बाद आप आम खाने के बाद गुठलियों को बिल्कुल फेंकना नहीं, आप घर में इसे सुखाकर आराम से रख सकते हैं, उसके बाद उसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। आपका दिन शुभ रहे।